नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएल टेक्नोलॉजी के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट के बारे में। जो फाइनेंशियल 2021 है उसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करें, रिजल्ट काफी बेहतरीन है। प्रॉफिट में 31% का जंप है और रिजल्ट इतना शानदार है उसके बावजूद शेयर के प्राइस में गिरावट देखा गया। इन्फोसिस के शेयर के प्राइस में भी जब रिजल्ट आया था और जो विप्रो आया था उसका भी प्रॉफिट में काफी जंप था। लेकिन दोस्तों बात करें जो गिरावट आया शेयर में, क्योंकि काफी ज्यादा शेयर मूव कर चुका था तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो है पूरे स्टॉक मार्केट में हो रहा है। अभी निफ्टी हमारा कंसोलिडेट हो रहा है पिछले दो दिन से, इसी कारण से आपको जो है इन सब शेयरों में भी थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल रहा है। जैसे निफ्टी हमारा न्यूट्रल भी रहता है तो आपको फिर से इस स्टॉक में तेजी देखने मिल सकता है अगर ये रिजल्ट पे रिस्पॉन्स करता है तो। मार्केट का सेंटिमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट का सेंटिमेंट जो है वही अभी निगेटिव है, मार्केट थोड़ा करेक्शन कर रहा है निफ्टी हमारा, इसलिए आपको इन सब शेयरों में भी थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला। तो चलिए क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक हमने काफी बार रिकमेंड किया है कि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है एसीएल टेक्नोलॉजी, इंफोसिस, वेप्रो, टीसीएस, एलएनटी, इंफोटेक और जो टेक महिंद्रा, ये सब काफी बेहतरीन स्टॉक्स है आईटी सेक्टर के, जो आपको अच्छा डिविडेंड भी देता है, बोनस शेयर भी देता है आपको रेगुलर इंटरवल पर और काफी अच्छा ग्रोथ भी देखने मिलता है। ये एसीएल टेक्नोलॉजी का पीडीएफ दिसंबर क्वार्टर का आप इसे bsindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं। bsindia काफी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है जहां आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे डाटा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रेवेन्यू है, उसके बाद एक्सपेंडिचर और उसके बाद जो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए जो टोटल इनकम है, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। तो टोटल इनकम जो है हमारा यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट जो कॉलम है ये है दिसंबर क्वार्टर 2020, मतलब फाइनेंशियल 2021, और इसका टोटल जो इनकम है वो है 19,491 करोड़। और वहीं हमारा इसका जो सितंबर क्वार्टर है पीछे, तो सितंबर क्वार्टर से हम कंपेयर नहीं करेंगे, पिछले साल का जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें था 18,292 करोड़। तो इसे देखते हैं 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम में जंप है। फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस में, तो 15,000 करोड़ का एक्सपेंस है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल था 14,000 करोड़ का। यहाँ पर एक्सपेंस जो है थोड़ा सा बढ़ा है, इन रेवेन्यू बढ़ा है मतलब इनकम बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ा है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के बिफोर प्रॉफिट जो था वो 479 करोड़ था, और जो दिसंबर क्वार्टर था पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का उसमें था 3,686 करोड़ का। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ तो इसमें जो टैक्स डिडक्ट है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड हो गया 3,977 करोड़ का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और वहीं जो पिछले साल था वो था 2,944। तो यहाँ से देखते हैं कि प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है, 30% से ज़्यादा का जंप है प्रॉफिट में। वहीं नीचे आते हैं आप तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा, साथ ही साथ डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी ये भी देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का इस बार हो चुका है 14.63 रुपये। तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी जंप है, पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में मात्र था 10.85 रुपये, और तो यहाँ से आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर में काफ़ी जंप है। लगभग आप यहां पर देख लीजिए अर्निंग पर शेयर जो है एक लगभग 40% से जंप किया है अर्निंग पर शेयर में। और डिविडेंड पर इक्विटी शेयर जो इस बार दिया गया है आपको 4 रुपीज का, तो काफी बेहतरीन रिजल्ट रहा, डिविडेंड भी दिया गया शेयर होल्डर को। तो दोस्तों अब हम एसएल टेक्नोलॉजी के लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे, तो एसएल टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन शेयर है और यहाँ पर देख लीजिए काफी जबरदस्त ये मूवमेंटम देखने मिला। ये 50 डे का ईएमए है और ये हमारे नीचे का 200 डे का ईएमए है, तो 50 डे के ईएमए से भी काफ़ी दूर प्राइस था, और 200 डे से भी मतलब आप देख सकते हैं कितना बुलिश था ये स्टॉक, जब मार्केट ही पूरा बुलिश था और आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे। और ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में डबल हो चुका है प्राइस, मात्र 400 का ये स्टॉक था जब हमने आपको बताया था। यहाँ पर आप वीकली चार्ट कर लीजिए, देखिए वीकली चार्ट हम लगाते हैं तो वीकली चार्ट में यहाँ देख लीजिए 400 रुपीज़ से भी नीचे ये स्टॉक गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको मार्च में अप्रैल में आपको बताया था कि डोमेस्टिक बिजनेस
बिजनेस इस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, जो हमारा इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ है इस कंपनी का। धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन आईटी कंपनियां हैं, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, उसी तरह से एसएल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से एक है। वीकली चार्ट पर देखिएगा, मात्र इस पैंडमिक में अपने ये प्रीवियस लो को ब्रेक किया। प्रीवियस लो को ब्रेक करने मतलब बेयरिश जो होता है स्टॉक वो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। तो बेयरिश सिर्फ ये पैंडमिक के कारण आया था, नहीं तो ये स्टॉक्स पिछले कई सालों से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। थोड़ा सा ये स्टॉक वोलेटाइल रहता है, यहाँ पर देखते हैं 2016 से ही ये स्टॉक काफ़ी बुलिश था, और 2016 के बाद मात्र 2020 में ये आकर के अपना जो है प्रीवियस लो को ब्रेक किया। तो इतना बेहतरीन स्टॉक आपको जब भी मिले बाय ऑन डिप्स कीजिए, एकदम हमेशा डिप में इसमें इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो विप्रो है, इन्फोसिस है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो उसी लिस्ट में एसएल टेक्नोलॉजी है, जो आपको आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो डेली चार्ट पर चलते हैं, तो डेली चार्ट पर देखिए ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। आज जो कंसोलिडेशन था काफ़ी ज़बरदस्त था, और पीछे जो ये गैप अप ओपन हुआ था, इस गैप को भी ये फिल कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए, फिर इसमें एक तेज़ी आएगा। तो फिर से इसमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी तभी देखने मिलेगा जब ये 1100 के लेवल को ऊपर जाता है, तो फिर इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए, ये किस तरह का, जैसे यहाँ पर देखते हैं इस तरह का पैटर्न बनाया, तो फिर ये यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बनाता है उसके अनुसार डिस्कस होगा। अगर इसी तरह का पैटर्न बनाया तो फिर समझिए यहाँ से जो कंसोलिडेशन के बाद 1100 के ऊपर ब्रेक करेगा तो एक ज़बरदस्त तेजी आपको देखने मिलेगा। अभी इसका जो नीचे का सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल है हमारा 920 रुपीज़ और 900, ये इसके बीच का जो रेंज है वो सपोर्ट जोन है। 900 920, ये इसका बीच का सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से आता है तो ये कहाँ पे सपोर्ट लेता है ऊपर के प्राइस में, यहाँ पे भी एक बार ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था। अगर ये 970 रुपीज़ पर सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर 900 इसका यहाँ मेजर सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर स्टॉक करेक्ट होता है 900 तक आता है तो 900 के लेवल्स पे आप इसमें SIP करना स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको वीकली चार्ट को फॉलो कीजिए, और जो भी पोजिशन ट्रेडिंग के लिए तो अभी इसमें कोई भी पोजिशन बनाने का वक्त नहीं है। तो अब थोड़ा सा आपको प्रॉफिट जो भी आप लिए हैं उसको इंजॉय कीजिए और वेट कीजिए, और फिर ये कंसोलिडेट होकर के 1100 के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।